हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 18, क्लास 10th है, सब्जेक्ट साइंस है और डेट है 16 अगस्त। आज हम करने वाले हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। चलिए पढ़ लेते हैं। एज वी नो डैट द फूड वी ईट हैज़ डिफरेंट टेस्ट। जैसा कि हमें पता ही है, हम जितने तरीके के फूड खाते हैं उनका उतना ही डिफरेंट टेस्ट होता है। द सोर एंड द बिटर। सोर यानी के मतलब खट्टा और बिटर यानी के कड़वा। ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेस। किसकी वजह से होता है ये? एसिड एंड बेस की वजह से, रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन दैम, जो कि उसमें प्रेजेंट होता है। सो एसिड, सबसे पहले हमें दिया है एसिड के बारे में। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर आर सोर इन टेस्ट। वो कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं टेस्ट में। बिकॉज दे कंटेन एसिड। क्यों? क्योंकि उनमें एसिड होता है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस। जो केमिकल नेचर होता है, वो केमिकल जो होता है वो नेचुरल ही होता है। वो हमारा कौन सा होता है? एसिडिक होता है। दीज एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एसिड। तो यहाँ पर हमें एग्जांपल दिए हैं किसके? नेचुरल एसिड के। चलिए पढ़ लेते हैं। सो ये देखिए, टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ब्लू लिटमस पेपर का रेड में कन्वर्ट होना। टेस्ट सोर, उनका टेस्ट खट्टा होना। एसिड कोर्ड्स मेटल, क्या करते हैं? कोर्ड्स मेटल हैव पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि इनमें क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। H प्लस आयन्स होता है इनमें। तो ये इसके कुछ एग्जांपल हो गए, ठीक है। उसके बाद हमें दिया है बेस। बेस के लिए यहाँ पर सम सब्सटेंस आर बिटर इन टेस्ट। कुछ सब्सटेंस कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं टेस्ट में। बेकिंग सोडा जैसे कि, इफ़ यू रब इट सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स। अगर आप फिंगर्स के बीच में उसके जो सॉल्यूशन उसे रब करेंगे ना, इट फील सॉपी, वो आपको सॉपी फील करेगा, यानी कि साबुन जैसा। सर सब्सटेंस आर नॉन एज बेस। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। द नेचर ऑफ सब्सटेंस इज सेड टू बी बेसिक। जो नेचर होता है सब्सटेंस का, वो हमारा बेसिक कहलाता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिए हैं, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। यहाँ पर लिटमस ब्लू से रेड हो रहा था, यहाँ लिटमस क्या हो रहा है? रेड से ब्लू हो रहा है। यहाँ पर टेस्ट कड़वा है, यहाँ पर टेस्ट खट्टा था। यहाँ पर नेगेटिव आयन्स है, OH जो है नेगेटिव है और यहाँ OH पॉजिटिव है। उसके बाद आगे हमें दिया है सॉल्ट। द कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। जो किससे फॉर्म होता है? एसिड के एक्शन से और बेस के एक्शन से, यानी कि एसिड और बेस के एक्शन से जो फॉर्म होता हो, जैसे कि NaCl और CuSO4, ठीक है। सो ये कुछ एग्जांपल होगा इनके। उसके बाद हमें दिया है, यस यू आर राइट, हाँ आप ठीक हो। वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस। हम हर सब्सटेंस को टेस्ट नहीं करते। देर आर स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस। कुछ स्पेशल सब्सटेंस होते हैं विच आर यूज टू टेस्ट, जिन्हें हम टेस्ट करते हैं। वेदर आर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, जहाँ हमें पता चलता है कि वो एसिडिक हैं या बेसिस हैं। दीज आर नॉन एज इंडिकेटर्स, जिन्हें हम इंडिकेटर्स के जानते हैं, ठीक है। सो इंडिकेटर्स जानते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स हमें दिए हैं। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में सबसे पहले ये तीन टाइप का होता है। सबसे पहले होता है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? उसके बाद है सिंथेटिक और फिर है ऑल्फैक्ट्री। चलिए पढ़ लेते हैं। सो यहाँ पर हमें दिया है सबसे पहले नेचुरल सब्सटेंसेस लाइक, जैसे कि लिटमस पेपर है। अगर वो एसिड में होगा तो वो रेड हो जाएगा और बेस में होगा तो वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। रेड केबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, यानी कि रेड केबेज हो गया या फिर लीफ एक्सट्रैक्ट हो गया। एसिड में होगा तो वो रेड होगा और बेस में होगा तो ग्रीन होगा। टर्मरिक, हल्दी, हल्दी में एसिड होगा तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर वो बेस में आया तो वो रेड हो जाएगा। जैसे कि आप एक बार ट्राई करना, मतलब एक ग्लास या कप में, मतलब आप हल्दी डालना थोड़ी सी और उसमें ना वाटर डालना, तो आप देखोगे वो रेड रेड हो जाएगी कुछ कुछ, ठीक है। उसके बाद है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? जैसे कि मेथेल ऑरेंज।
मिथाइल ऑरेंज को अगर हम देखें, अगर वो एसिड में हुए तो वो रेड होंगे और बेस में हुए तो वो येलो होंगे, ठीक है। फिर आता है फिनॉल फैथलिन। फिनॉल फैथलिन में क्या होता है, अगर वो एसिड में होंगे तो वो कलरलेस होगा, उसका कोई कलर नहीं होगा, और अगर वो बेस में हुआ तो वो पिंक कलर होगा, उसका कलर कैसे हो जाएगा, पिंक, ठीक है। उसके बाद ऑल्फैक्ट्री के लिए पढ़ लेते हैं। सो ऑल्फैक्ट्री में, सो इंडिकेटर्स में देखें, अनियन जूस, सबसे पहले हम देखें प्याज का रस, तो अगर वो एसिड में हुआ तो कैरेक्टर इंस्टिक्ट स्मेल, उसमें स्मेल होगी, ठीक है, और बेस में हुआ तो नो स्मेल, उसकी कोई स्मेल नहीं होगी। वेनिला, वेनिला आपने देखा ही है, सिरका, वनीला, रिटेन स्मेल, उसकी स्मेल क्या होगी, एसिड में बढ़ जाएगी, और बेस में नो स्मेल, उसकी स्मेल होगी ही नहीं। क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, लौंग का तेल क्या होगा, रिटेन स्मेल, उसकी स्मेल बढ़ जाएगी, कब, जब वो एसिड में होगा, और अगर वो बेस में होगा तो उसकी स्मेल खो जाएगी, यानी कि उसकी स्मेल चली जाएगी बिल्कुल। उसके बाद आगे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। नाउ स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस के बारे में डिफरेंस बताना है, तो जैसा कि यहाँ पर हमें दिया ही है, सो एसिड का हम यहाँ से लिख लेंगे, ये रहा एग्जांपल एसिड के, हम यहाँ से लिख लेंगे, जैसे कि रेड लिटमस टू, यहाँ पर टेस्सो, और ये एग्जांपल हो गया। फिर बेस का हम यहाँ से लिखेंगे, ये वाला, और इसके एग्जांपल ये रहे, ये रहा, ये रहा, ये इसके एग्जांपल हो गए। तो ये तो आपका आंसर नंबर फर्स्ट यहीं पर कंप्लीट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया है, अमोनिया is found in many household product such as window cleaner, it turn red litmus blue, what is its nature, तो उसका नेचर क्या होगा। तो इसमें हमारा आंसर आएगा बेस, बेसिक इन नेचर, तो इसका हमारा आंसर हो गया बेसिक इन नेचर, नेचर में पूछा था वो कैसा होता है, तो बेसिक होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इट इज फॉल्स, अगर वो सही है तो टी और गलत है तो फॉल्स का एफ। नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू, क्या वो नाइट्रिक एसिड जो है रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देती है, तो इसमें हमारा आएगा फॉल्स, नहीं। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू लिटमस रेड, के सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देती है, तो नहीं, इसमें भी हमारा आएगा फॉल्स। उसके बाद इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, तो इसमें आएगा ट्रू, हाँ, जो इंडिकेटर्स है वो हमें एसिड और बेसिड में क्या करता है, डिफरेंट सॉल्यूशन में दिखाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा था, हाउ डज द स्पॉट ऑफ टर्मरिक, हल्दी का जो दाग लग जाता है ऑन द क्लॉथ, कपड़ों पे, चेंज इट कलर, वो अपना कलर बदलता है, व्हेन वी ट्राई टू वॉश इट विथ सॉप, जब भी हम उसे साबुन से धोने की कोशिश करते हैं। सो तो ये रहा हमारा आंसर नंबर फोर्थ, बेस इज टर्न टर्मरिक रेड, hence when soap which is basic in nature, soap basic होता है ना, it is scrubbed on the stain turn red, when the cloth is washed with plenty of water the soap is removed and the yellow color is the stain reappear, तो ये आपका हो गया आंसर नंबर फोर्थ। तो यही थी हमारी आज की वर्कशीट, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।